सब ने पहले स्कूल में पढ़ा है, सो आप मुझे कमेंट में नीचे बताइए कि हम ये इरिगेशन को क्या बोलते हैं। अभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कैमरे की बैटरी पूरी ड्रेन हो गई, मैंने ये नहीं देखा, पर ठीक है मेरे पास फ़ोन है, सेल फोन है अपना, तो मैं उससे आप सबको बता सकता हूँ। ये जो आपको पूरा पाइप दिख रहा है, इससे पानी आता है और यहाँ पे एक स्प्रिंकलर लगा हुआ रहता है, सो उससे पानी पूरा फार्म में ऊपर से छिड़काव होता है। सो कोई कोई क्रॉप्स में हमको पानी यहाँ नीचे नाली में छोड़नी पड़ती है और कोई कोई क्रॉप्स में हमको ऊपर से डालना पड़ता है। सो क्रॉप्स में ऊपर से डालने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, जो कि आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताएंगे। यहाँ पे हमारा चलने की जगह है, यहाँ पे हमने प्यास लगाया हुआ है, यहाँ पे तीन जगह में, और वहाँ पे भी दो जगह में हमने प्यास लगाएंगे। एक जगह में लगा दिए हैं और एक जगह में वो प्लाउ कर रहा है, पता नहीं वो प्लाउ कर रहा है, अच्छा वो है ही नहीं वहाँ पे। ओह माय गॉड, यहाँ पे हमने कुमड़ा लगाया हुआ था, जो कि मैंने आप सबको बताया कि हमने कल ही जस्ट उसका प्रोडक्शन ख़त्म किया है, और ये जो ज़मीन है हम इसको वापस से साफ कर रहे हैं, वापस से पूरा तैयार कर रहे हैं अगली क्रॉप लगाने के लिए। सब सब देख सकते हैं कि यहाँ पे इतना कचरा है, और जो कुमड़े का जो लेफ़्ट ओवर रहता है वो भी हम उसको निकाल के फेंक रहे हैं। और वहाँ पे वो जो काम कर रहा है वो एक्चुअली जो ड्रिप पाइप है, ड्रिप पाइप को हम इसको लगाते हैं क्रॉप्स के टाइम में, और इस टाइम पे हम ड्रिप पाइप को यहाँ से निकाल के वापस से पूरा फार्म को साफ करते हैं। सो उस टाइम हमको निकालना पड़ता है ड्रिप पाइप, क्योंकि साफ करते करते अगर पाइप टूट गया तो फिर प्रॉब्लम मुश्किल हो जाएगी हमें। यहाँ पे मुझे फार्म आने की एक सबसे अच्छी बात ये लगती है कि मैं बाहर से सिटी से यहाँ पे ऐसी शांत जगह में आता हूँ, सो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इतना शांत माहौल है, इतना शांत लगता है। सो अभी तक मैंने आप सबको मिर्ची का प्लॉट दिखाया, प्याज का प्लॉट दिखाया, और खाली प्लॉट भी दिखाया जहाँ की हम पूरी तैयारी कर रहे हैं नए क्रॉप्स लगाने की, पर मैंने आपको सामने का प्लॉट अभी नहीं दिखाया है। सो सामने के प्लॉट में, जो कि मेरे जस्ट सामने है, यहाँ पे हमने पत्ता गोभी और फूल गोभी दोनों लगाई है। सो आप सबको ये लग रहा होगा कि एक साथ पत्ता गोभी और फूल गोभी कैसे लगा सकते हैं। सो जैसे कि हमने पीछे यहाँ पे मिर्ची और पत्ता गोभी साथ में लगाई है, सेम तरीके से हमने ऊपर जगह में हमने फूल गोभी लगाई है, और नीचे वाले जो जगह है उसमें हमने पत्ता गोभी लगाया है। यहाँ पे जो फूल गोभी का प्रोडक्शन है वो चालू हो चुका है। सो फूल गोभी यहाँ पे बहुत सारी टूट गई है, और जो पत्ता गोभी है उसका प्रोडक्शन हम कुछ ही दिनों में, यानी कि अगले वाले आने वाले एक हफ्ते में हम चालू करेंगे। तो मैं आप सबको यहाँ पे सामने का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली फूल गोभी कैसी दिखती है जब वो फार्म में रहती है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे सामने फूल गोभी है, तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो कचरा टाइप का लग रहा होगा, ये एक्चुअली हमने पत्ता गोभी को यहाँ पे तोड़ चुका है और ये बाहर चले गई है सेलिंग के लिए। सो बाकी जो सारे माल हैं जो कि बचा हुआ है, जिस जो अभी साइज आ रही है, धीरे धीरे हम फिर उसको वापस से तोड़ेंगे और वापस से सेलिंग के लिए भेजेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पत्ता गोभी कैसे दिख रही है, लाइन से यहाँ पे पत्ता गोभी लगी हुई है, और यहाँ पे ऊपर तरफ फूल गोभी लगी है, जो कि यहाँ पे प्रोडक्शन चालू हो गया है, तो बहुत सारी फूल गोभी अभी टूट चुकी है, कुछ कुछ फूल गोभी अभी बची हुई है टूटने के लिए। अब जस्ट मेरे एक पीछे का जो प्लॉट बचा हुआ है, यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ पत्ता गोभी लगाई थी, सॉरी यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ फूल गोभी लगाई थी, और यहाँ पे फूल गोभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोडक्शन चालू हो चुका है, यहाँ के भी फूल गोभी निकल रही है। जो मेरे पीछे यहाँ पे एक और प्लॉट में प्याज लगी है, वो प्याज को हम कैसे लगाते हैं, क्या हम डायरेक्टली सीड्स को यहाँ पे प्लॉट में डाल देते हैं उसके बाद ये उगता है, या फिर
हम इसकी पहले नर्सरी तैयार करते हैं। प्याज के सीड्स जो रहते हैं हम इसको पहले थोड़े से एरिया में लगा के उसकी एक नर्सरी तैयार करते हैं, जिससे कि वो एक पौधे बन जाए और फिर हम वो पौधों को निकाल के सारे फार्म में लगा दें, जिससे कि वो पौधे और अच्छे से जर्मिनेट होंगे। सो मेरे जो सामने है यहाँ पे हमने नर्सरी तैयार की है, नर्सरी हमने लगाया है थोड़े से एरिया में यहाँ पे। सो हम एक्चुअली क्या करते हैं, ये जो हम एक प्याज की जड़ से हम इसको ऐसे निकालते हैं, ऐसे करके हम इसको निकालते हैं, वहाँ जो प्लॉट है उस वहाँ पे हम इसको लगा देंगे ऐसे करके। सो आप देख रहे होंगे कि वहाँ प्लॉट में जितने भी हम प्याज लगाए हैं उसके ऊपर से वो ऐसे दिखता है, और यहाँ पे जो प्याज वो इस तरफ नीचे यहाँ पे उगता है। अब जब हम इसको लगा देते हैं हमारे प्लॉट में उसे ये कुछ ऐसा दिखता है। इसके नीचे प्याज है, हम सिर्फ नीचे वाले जो प्याज रहते हैं वो खाते हैं, और कोई कोई ऐसे टाइप की प्याज आती है जिसमें ये पीछे बहुत लंबा सा रहता है, हम इसकी भी सब्जी बनाते हैं अपने घर में। तो दोनों टाइप की प्याज अवेलेबल रहती है, जिस हिसाब से मांग रहती है हम उस हिसाब से इसको सेल करते हैं। बाजू में हम इसको नाली बोलते हैं, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे प्याज लगाए हैं, और यहाँ पे पूरे प्लॉट में हमने यहाँ पे प्याज लगाया हुआ है। तो मैंने आप सबको कुछ कुछ बताया फार्म के बारे में, फार्म में किस तरीके से सब चीज़ लगाया जाता है और कहाँ कहाँ हमने कौन सी क्रॉप्स लगाई है। सो अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिली हो फार्मिंग के बारे में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैंने बहुत थोड़ी सी चीज़ बताई है इस वीडियो में फार्मिंग के बारे में, तो अगर आप सबको और भी इच्छा हो जानने की फार्मिंग के बारे में सो प्लीज़ आप नीचे मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा। अभी तक कुछ कुछ जगह आप सबको नहीं दिखाई अपने फार्म की, जब मैं अगली बार आऊँगा यहाँ पे अपने फार्म में तो मैं आप सबको फिर वो जगह भी दिखाऊंगा। अभी मैं जब घर से अपने फार्म आ रहा था तो मेरा ये प्लान था कि मैं अपने हेलमेट के ऊपर अपना जो नया गोप्रो है मैं उसको लगा के यहाँ तक आऊँ, तो आप सबको एक अच्छा सिनेमेटिक लुक लगे जो रास्ते से मैं आया हूँ उसका। सो अगली बार मैं ये चीज़ ध्यान रखूंगा। हम सब अगली बार जब यहाँ पे फार्म आएंगे तो फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा और मैं वीडियो में वो चीज़ कवर करूंगा जो कि मैं आज यहाँ पे कवर नहीं कर पाया हूँ। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।